पॉलीनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 के बचे क्वेश्चन को चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ज्ञात कीजिए फाइंड करना है जिसके शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरो तथा गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्रमशः दी गई संख्याएं है। ठीक है, यानी कि जो पहला मेरा नंबर में क्या है शून्यकों का योग है और सेकंड मेरा नंबर है क्या शून्यकों का गुणनफल। हम लोग शून्यकों का योग को किससे डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और शून्यकों के गुणनफल किससे डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में प्रैक्टिस करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मानेंगे माना क्या मानेंगे हमको क्या फाइंड करना है द्विघात बहुपद तो हम क्या मानेंगे एक द्विघात द्विघात बहुपद तो माना माना द्विघात द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, मैंने एक द्विघात बहुपद मान लिया जिसका हम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य क्या होंगे अब तथा इसके शून्य अल्फा तथा बीटा है। मैंने क्या माना मैंने माना एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इनके शून्य क्या अल्फा तथा बीटा है मैंने दो मान लिया। ठीक है, अब हमको पता है कि ये क्या दिया हुआ है ये जो मेरा पहला दिया हुआ क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है क्या लिखेंगे शून्यकों का योग इसको किससे डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और फॉर्मूले से मेरा क्या जाएगा बी बाई ए क्या जाएगा इस फॉर्मूले से बी बाई माइनस बी बाई ए। हमको पता है कि देखिए अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी दी हुई 1/4 दिया हुआ है और माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये रहने देंगे। अब आएंगे शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला मेरा क्या होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/c/a। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे एक यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखिए b की वैल्यू तो 1 हो गई -1 a की वैल्यू कितनी हुई 4 लेकिन यहाँ पे यदि इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसको बस अपोज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1 है डिफरेंट डिफरेंट हो गई है इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम -1/1 में 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से नीचे तो ये मेरा क्या जाएगा -4/4 इक्वल सी बाई ए हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें अगर यहाँ पे मेरा दोनों डिनोमिनेटर सेम रहता तो हमको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है अलग अलग है इसलिए यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 करने के लिए क्या कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी यानी कि डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 4 1 4 यानी कि अब हम यहाँ से इनसे वैल्यू कंपेयर कर लें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी 1 है तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी -1 यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 4 हो गई अब यहाँ से कंपेयर करें तो सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4 यानी वैल्यू कंपेयर कर ली तो ए की ये आ गई बी की ये आ गई और सी की ये आ गई। अब इन्हीं ए बी सी की वैल्यू क्या कर देंगे इस द्विघात समीकरण में यानी इस द्विघात द्विघात बहुपद में क्या करेंगे रखेंगे तो मेरा क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ए की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1x प्लस और सी की वैल्यू कितनी है -4 सी की वैल्यू कितनी है -4 इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मेरा क्या आएगा 4x² ये प्लस और माइनस माइनस एक्स हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा ये मेरा क्या जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। मैंने क्या किया
माना द्विघात बहुपद, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मानेंगे माना द्विघात बहुपद x² + bx + c है, तथा इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितनी दी, 1/4 और क्या -b/a रख दिए। फिर दिखा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, -1 थी, क्या थी, -1, फॉर्मूले से c/a। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, मैंने 1 सपोज कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे, तो 4 1 4 4 1 4 c/a -4/4। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू सेम, यहाँ पे भी a की वैल्यू सेम, अब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो -d की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है, -4 हो जाएगी। ठीक, यानी a b c की वैल्यू क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद में रखेंगे, द्विघात बहुपद में क्या है, x² + bx + c, तो x² + bx + c, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x² + b की वैल्यू कितनी, -1, तो -1x + c, c की वैल्यू कितनी, -4, तो -4 हो जाएगा। 4x² देखिए, ये प्लस और ये माइनस मिलके -x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस मिलके -4 हो जाएगा। आइए मैं ट्रिक बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। जैसे सपोज कर लीजिए, आप लोग प्रीवियस कक्षाओं में पर क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जैसे दिया जाता है x² - इसे क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग, यानी यह फॉर्मूला कब लगता है, जब मेरा क्या द्विघात समीकरण हो। मैं आपको बता दूं, जैसे कि जैसे सपोज कर लीजिए, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए 2x² - x - 4, ये अभी मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है, यदि इसी की इक्वल में 0 लगा दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। यदि ये इक्वल 0 हटा दिया जाए तो ये मेरा क्या होगा, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। यदि इसी की इक्वल 0 लगा दिया जाए तो मेरा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा ट्रिक है वो किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। आप इससे आंसर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, शून्य को का गुणन फल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते, लिखा जाता है x² - α + β x + α (β). मैं फिर से बता दे रहा हूं, यह क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। x² - α + β की वैल्यू कितनी, 1/4, क्या दिया मेरा, 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की कितनी, -1, x² - 1/4x + -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर इसके हर में 4 है, इसे क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, 4x² - क्या करेंगे, 1x - 4 = 0 है, इसके इस तरीके से 4 कर लेंगे, तो 4x² - 1x - 4 = 0 × 4 कर लेंगे, तो 4x² - x - 4 = 0। ये मेरा क्या जाएगा, द्विघात समीकरण, हम आंसर की जांच कर सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया है, आप ऐसे क्वेश्चन को उस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।